ज्ञान तिम्रां दस्यो ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामयं ददाति स्वभदान्तिकम्। वंदे अहम श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय गोपाल। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्ण जय गोपाल। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको नमस्कार करते हुए आपका स्वागत करता हूं कि आप भागवत गीता के सत्संग समारोह में पधारे हैं। श्रीमद् भागवत गीता भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ एक ऐसा गीत है जो सारे अखिल ब्रह्मांड के लिए सुनाया गया है अर्जुन के माध्यम से। तमाम जेनरेशंस के लिए, पीढ़ियों के लिए श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान का भंडार है, भक्ति का भंडार है, कर्म भूमि है, धर्म भूमि है, परम पवित्र है, श्रीमद् भागवत गीता है। हमको बारंबार श्रीमद् भागवत गीता को नमन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता को नमन करने मात्र से हमारे हृदय में स्वच्छता प्रकट होती है, निर्मलता प्रकट होती है, कुछ विशेषता प्रकट होती है, गुण प्रकट होते हैं। शब्दों में बहुत मुश्किल है श्रीमद् भागवत गीता का मैं ग्लोरिफिकेशन करूं, कीर्ति का गान करूं, उनकी महिमा का। भागवत गीता की महत्ता इतनी महान है कि यदि ये संसार में नहीं हो तो अवश्य ही संसार में अंधकार होगा। ज्ञान प्रकाश फैलाने वाला भगवान का एक सुरीला गीत, जिस गीत की महिमा का बखान
स्वयं विष्णु भगवान अपने मुख से कर रहे हैं। फिर भला कोई ऋषि मुनि, कोई महात्मा साधु संत कैसे इन महान शब्दों का, भगवान की वाणी का, भगवान के गाए हुए गीतों का बखान कर सकेगा, उनकी महत्ता का। भागवत गीता सभी वेदों का सार स्वरूप है, शास्त्रों का निचोड़ है, उपनिषदों का मंथन किया हुआ एक रस है, अमृत है। शब्दों में कैसे श्रीमद् भागवत गीता की महत्ता का वर्णन करूं? मैं दासों का भी दास, एक छोटा सा दास आपकी सेवा में हूं, और जैसे भी गुरु महाराज की कृपा से या उस परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा से मुझे जैसा भी ज्ञान है, मैं कुछ बखान करने जा रहा हूं और ध्यान दे रहा हूं उन श्री चरण कमलों का, जिन कमलों के ध्यान करने से ये संसार का मल नाश होता है, परम मुक्ति प्राप्त होती है। ओ भगवान के चरण हैं, बंदो चरण कमल हरिराई, जय हो। मेरे गुरु महाराज के चरण कमलों का ध्यान करता हूं। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देव महेश्वरा, गुरुर साक्षाद परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान विष्णु धरा देवी को उपदेश करते हैं, श्रीमद् भागवत गीता की महत्ता का बखान करते हैं, बड़े ही गदगद हृदय से उन बखान किए गए उनके वाक्यों में से श्री मुख से निकले हुए श्लोकों में से मैं आपको कुछ बोलूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं धरा देवी को, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रियतः पुमान, विष्णोः पदम एवाप्नोति भय शोक आदि वर्जितम्। हे धरा देवी, हे भूदेवी, हे अखिल ब्रह्मांड, हे गीता शास्त्र इतना पवित्र है, इतना उज्ज्वल है, पावन है, जो इसको प्रियतः प्रिय समझ करके, हृदयांगम करके, हृदय में धारण करके, श्रद्धा और भक्ति के साथ जो इसको नित्य पढ़ता है, उसके सारे भय और शोक खत्म हो जाते हैं, निर्भयता को प्राप्त हो जाता है, आनंद मग्न हुआ परमात्मा के गुण गाता है और गुणगान करता हुआ परमात्मा के धाम को प्राप्त कर लेता है, परम पद को प्राप्त कर लेता है, उस परमेश्वर के धाम को प्राप्त कर लेता है, साक्षात परमात्मा के सानिध्य में पहुंच जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रियतः पुमान, विष्णो पदम एवाप्नोति भय शोक आदि वर्जितः। भय क्या है? हमारे संसार में आना ही भय है क्या? नहीं, संसार में आना तो भय नहीं होना चाहिए। यदि आप संसार में रहते हुए परमेश्वर की शरण में हैं,
तो फिर भय कैसा? यदि आप सत्य की शरण में हैं तो भय कैसा? यदि आप सत्मार्ग पर जा रहे हैं तो भय कैसा? यदि आप परमेश्वर को पहचानते हैं तो भय कैसा? भय तो तभी होगा ना जब जब आपका ये रथ, शरीर रूपी रथ, ये पांच इंद्रियों को लेकर के, पांच घोड़ों को लेकर के गलत मार्गों पर भटकेगा। चोर को भय होता है,